हेलो रीडर्स, बुक रिव्यू के सेक्शन में मैं बुकवाइज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने अमिश त्रिपाठी की रामचंद्र सीरीज़ की 3 बुक्स की रिव्यू ऑलरेडी की है। अगर आप इस रिव्यू सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल में पब्लिश्ड बाकी 3 बुक्स की रिव्यू देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में बाकी 3 बुक्स के रिव्यूज़ की लिंक डाल दी है। आज हम इस सीरीज़ की 4th बुक वॉर ऑफ लंका की रिव्यू करेंगे। प्लॉट, कैरेक्टर्स, बुक की होल्ड, इसके प्रीक्वल के साथ इसका रिलेशन, लिटरेरी कंपैरिजन और रेटिंग के साथ हम एपिक की नैरेटिव का एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं अमिश त्रिपाठी की लिखी बुक वॉर ऑफ लंका का स्पॉयलर फ्री रिव्यू। सीरीज की बाकी बुक्स के साथ प्लॉट्स को इंटरवीव करते हुए अमिश वॉर ऑफ लंका की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अमिश के ट्रेडिशनल टेल के रिक्रिएशन के साथ रामायण की एक न्यू पर्सपेक्टिव आपके सामने आती है। नए कैरेक्टर्स डेवलपमेंट और व्यू पॉइंट के साथ बुक काफी इंटरेस्टिंग अपीयर होती है। वॉर ऑफ लंका एक्शन पैक्ड रिटेलिंग है जिसे माइथोफिक्शन जॉनरा में इंटरेस्टेड रीडर्स अपने रीडिंग लिस्ट में डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। बुक में कॉन्वर्सेशंस ज्यादा और प्लॉट कंस्ट्रक्शन काफी देर तक होता है। लैंग्वेज लेमन है और एपिसोड्स काफी स्ट्रेस्ड हैं। बावजूद इन सभी के स्टोरी इंटरलेटिंग है जो आपको कैप्चरिंग लगेगी। रिलीजियस रेफरेंसेस के साथ वॉर ऑफ लंका में मोरल वैल्यूज और एथिकल पार्ट काफ़ी अच्छे से पोर्ट की गई है। मुझे वॉर ऑफ लंका में ज्योग्राफिकल सेट काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। ये इतने विविड और ग्राफिक हैं कि मैं हर एक सिटी, फॉरेस्ट और माउंटेन्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा था। साथ ही सभी डिवाइन इवेंट्स को साइंटिफिक इंक्लूजन्स दिए गए हैं। रामायण की एपिक में जिन चीज़ों को हमने गॉडली समझा था वो सारी ह्यूमनली पर्सपेक्टिव से डिफाइंड हैं। हर एक एक्सप्लेनेशन आपको थ्रिल देती है। करंट इवेंट्स और मैथोलॉजिकल फ्यूजन्स आपको बुक में रामायण की सटल अंडरस्टैंडिंग देते हैं, ताकि आप सिर्फ एंशंट सोशल सेट से नहीं बल्कि कंटेम्पररी सोसाइटी से भी रिलेट कर सकें। बुक में सर्जिकल स्ट्राइक, कोरोना पैंडेमिक और वैक्सीनेशंस के साथ वैक्सीन डिप्लोमेसी, जिसमें दूसरे कंट्रीज में वैक्सीन की ज़रूरतें थी, नेपोटिज्म, एलिटिज्म और सबरीमाला रो के एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें पढ़कर आप डेफिनेटली बुक के ग्रिप में रहेंगे। बुक की लैंग्वेज स्ट्रैटेजिकली सभी के लिए बनाई गई है। सभी से मेरा मतलब है रीडर्स, नॉन रीडर्स, अविड रीडर्स या जिन्होंने इन स्पेसिफिक जॉनरा को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। वॉर ऑफ लंका का उसके प्रीक्वल से रिलेशन देखें तो अमिश ने राम, सायन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला और रावण, एनिमी ऑफ आर्यवर्ता को एक साथ फ्यूज़ किया है। इन 3 बुक्स को पढ़कर मेरी 4th बुक के लिए काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थे और बुक कुछ जगह इसे जस्टिफाई नहीं कर पाती है। कुछ कैरेक्टर्स को अंडरमाइन किया गया है। राम और सीता के रोल को काफ़ी कम पोर्ट्रे किया गया है। कुछ कैरेक्टर्स के रोल को या तो रिड्यूस किया गया है या उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुझे यह बुक इनकम्प्लीट सी लगी। रावण के कैरेक्टर को एंटायरली चेंज कर दिया गया है। प्राउड रावण बुक में हम्बल और एक्स्ट्रा स्वीट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ दिखाए गए हैं, जो मुझे एव अप द टेंजेंट सी लगी। बुक की क्रिटिक्स को सुने तो इस सीरीज़ के सभी बुक्स के बाद लंका काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रीड थी। बुक की लेंथ बाकियों से ज़्यादा है, लेकिन बुक के प्लॉट काफ़ी चाइल्डिश हैं। स्लैंग लैंग्वेज के यूज़ की वजह से कॉन्वर्सेशन काफ़ी इरिटेटिंग बन जाती है और अमिश की राइटिंग स्टैंडर्ड से ये मैच नहीं करती। मेरे रीडिंग एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहूँगा कि बुक सिंपल और सभी रीडर्स के लिए लिखी गई है, लेकिन कुछ एक जगह पर बुक एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करती। बुक इनकम्प्लीट सी है और जगह जगह इसमें बॉलीवुड का ग्लिम्प्स नज़र आता है। सीरीज़ के पहले बुक्स में श्री राम को स्टॉइक फिलॉसफी से, सीता जी को कार्डिनल वर्च्यूज से और रावण को इंडिविजुअलिज्म से डिस्प्ले किया गया था। इस बुक में यह फिलॉसफीज कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। दूसरी ओर अगर मैं सिंपल रीडिंग की बात करूँ तो वॉर ऑफ लंका को जिस वे में लिखा गया है उससे बच्चे भी रिलेट कर सकते हैं। अमिश एक इंटेलिजेंट राइटर हैं। उनके राइटिंग ट्विस्ट को हमने पहले देखा है। उन्हें देखते हुए हम अमिश से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। बुक के सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए मैं इसे 3.7 आउट ऑफ 5 रेट करूँगा। आप अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो बेटर एक्सपीरियंस के लिए सीरीज़ की 3 बुक्स को पहले ज़रूर पढ़ें। क्लीशेज और मिथ बस्ट करने के लिए बुक मेरी फेवरेट रही है और किसी भी रीडर को यह एक अलग एंगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देती है। रामचंद्र सीरीज़ के 4 बुक्स के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अमिश इसकी एक और पार्ट लाएँ, ताकि रामायण की रीइंटरप्रिटेशन की जर्नी और फर्म हो। चैनल में हमने रामचंद्र सीरीज़ के बाकी 3 बुक्स की रिव्यू ऑलरेडी की है।
आप अगर सभी बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। हमें अपने रीडिंग एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। अगर आप किसी और बुक की रिव्यू चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें और हमसे जुड़े रहें आपके फेवरेट बुक की रिव्यू के लिए। तो मिलते हैं एक और थॉट प्रोवोकिंग बुक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी रीडिंग।